दिनांक 29 तारीख को नवयुग स्कूल है लाडोत रोड पे, वहाँ स्कूल पे आके तीन बंदे आए, एक निगरानी पे खड़ा हो गया। जो निगरानी पे खड़ा हुआ उसका नाम शादाब है, और दो बंदे चांद और पंकज, चांद ने फायर किया है और पंकज बाइक पे था, इन्होंने आके वहाँ फायर किया है। इनकी स्कूल वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई फिरौती का मैटर नहीं था, ये सिर्फ एक दिल्ली का है एक क्रिमिनल, वो इस स्कूल के अंदर एक साल पढ़ा हुआ था, और दिल्ली पुलिस उसके डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड लेने के लिए इस स्कूल के अंदर आई थी, क्योंकि वो प्रोसेस के तहत लेना होता है। उस अपराधी को ये लगा कि स्कूल वाला कहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ मैच्योर ना बता दे, 18 से ऊपर ना मेरे को बता दे। सिर्फ इस शक और रंजिश में इसने ये अपने साथी जो हैं ये भेजे यहाँ पे। तो ये टोटल तीन आदमी आए थे, ये पहले दिन रात को रुके भी हैं एक के पास, टोटल ये अब तक की जांच में चार नाम आए हैं, हमने चारों को अरेस्ट भी कर लिया है। ये आपको मैंने पहले बता दिया, शायद आप निगरानी के लिए खड़ा हुआ था, कोई आ तो नहीं रहा उधर, चांद ने फायर किया है और पंकज बाइक पे था। जिस बाइक पे ये आए वो भी एक सप्ताह पहले दिल्ली से चोरी हुई थी, और ये सारे अपराधी हैं, और जिसके कहने पे ये आए थे उसके खिलाफ भी 6 मामले दिल्ली के अंदर दर्ज हैं पहले से ही, और 3 मामले चांद के ऊपर दर्ज हैं, और एक मामला शादाब के ऊपर दर्ज है। सभी पर दिल्ली में, दिल्ली के हैं, थाना नांगलोई, सराय रोहिल्ला और थाना नांगलोई, तो दिल्ली के ही हैं सारे। गैंग से नहीं बताऊं ना, ये तो सिर्फ वो दिल्ली जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस अपनी एज वेरीफाई करने के लिए इस स्कूल में आई थी, क्योंकि वो एक साल यहाँ कभी पहले पढ़ा हुआ था, उसको ये पता लग गया कि उस स्कूल से ये रिकॉर्ड लेने जा रहे हैं, सिर्फ इसमें कि कहीं मेरे को स्कूल वाले मैच्योर 18 से ऊपर का ना दादे, सिर्फ इस रंजिश की वजह से उसकी उसका ये षड्यंत्र रहा है सारा। संपर्क में कैसे आया ये जो बता रहे हो, ये इसकी कोई रिश्तेदारी वगैरह कुछ रही होगी इधर, ये किस तरीके से स्कूल का नाम सुन के, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स अकेडमी भी है, तो ये 3-4 साल पहले कभी यहाँ एक साल पढ़ के गया था इस स्कूल में। इन लोगों के संपर्क में कैसे, ये जिम के अंदर साथ एक्सरसाइज करते थे, इनका सर्कल था, ये जान पहचान थी इनके साथ, सारों का आपराधिक रिकॉर्ड है। एक पंकज के खिलाफ तो कोई मुकदमा अभी जांच में सामने आया नहीं है, और सबके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पहले से ही दिल्ली के अंदर दर्ज है। अभी ये जांच कर रहे हैं क्या निकल के आता है, देखो और कौन कौन है इनके साथ, ये ही थे या इस और भी इसमें शामिल रहे हैं। जो अमन का नाम आया था वो कैसे लिए, देखो वो तो अब कोई भी आदमी कोई भी क्षेत्र अपराधी कोशिश ये करता है कि मेरा नाम ना आए, मतलब अपना नाम कोई नहीं लेके ओपन करना चाहता, सब अपने नाम को छुपाते ही हैं, तो इनके पता नहीं दिमाग में क्या रही होगी, किस वजह से क्या लिखे इन्होंने, कैसे अरेस्ट किया गया, क्या करना पड़ा, सीसीटीवी भी मिली, कुछ लोकेशन वगैरह ली गई, कुछ सस्पेक्टेड नंबरों की लोकेशन ली गई, और इनको खरावड़ मंदिर के पास बाईपास से इनको गिरफ्तार किया गया हमारे द्वारा। नहीं छुपे हुए थे, ये जा रहे थे
यहाँ से भागने की फिराक में थे। हमारे CIA की टीम, ASI कुलदीप हैं, तो टीम में हमारी पहले से इनके पीछे लगी हुई थी, वांटेड हमारे को थे ही, और इनकी लोकेशन लेके उसने इनको काबू किया है। नहीं, अब तक हमारे नोटिस में नहीं आया, अभी जांच जारी है, फर्दर कुछ पता लगेगा तो देखते हैं। बिल्कुल लिया जाएगा, और जैसा भी पूछताछ में जो सामने आएगा उसी अनुसार कार्रवाई कर देंगे। इसके अंदर बाइक हुई है बरामद अभी, तो जो चोरी की थी पहले से ही, अभी वो बरामद हुई है, अभी देखते हैं आगे तफ्तीश में क्या क्या आता है। इन्होंने कितने फायर कर दिए सर, कुछ आदमी बताया है? ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी पूरा खुलासा नहीं कर पाएंगे, ऑन गोइंग है मैटर, बता देंगे आपको पूरा। मतलब डराने का ही था इसको संचालन? डराने का बस ये इनका था कि उसके ये दिमाग में रहा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इसने कहीं मैच्योर बता दी, सिर्फ ये रंजिश इसकी रही थी, अदरवाइज कोई स्कूल वाले से दुश्मनी नहीं है, कोई फिरौती का मैटर नहीं है। लेकिन इससे कैसे मैच हो रहा था, उसको कैसे पता चला कि भाई इसका नंबर ना सही डेट ऑफ बर्थ ना होता, ये मतलब उसको कैसे मैसेज गया, इसने मैसेज पहुंचाया उसके पास या नहीं किया सर? अब ये तो इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे तब पता लगेगा कि कैसे चैन बनी है ये, उसको कैसे इस बात की। हाँ समझ गया, वो अब उसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे तब वो बताएगा उसको उसके क्या सोर्सेज थे, उसने अंदाजा लगा कि किया या उस कहीं से उसको खबर लगी क्या था। इसका मोटिव हल हुआ या नहीं हुआ ये?